हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11, ठीक है। इसमें ऑलरेडी कई वीडियोस बने हैं जो हमने पिछले साल बनाए थे, तो ऑलरेडी आपको कई चैप्टर्स के, यानी शुरू के कम से कम 4-5 चैप्टर्स के तो वीडियोस मिल जाएंगे। बट ये जो मैं अभी कुछ आपको वीडियोस अभी बना रहा हूँ, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फिल द गैप बिटवीन 10th एंड 11th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये समझना कि 10th की फिजिक्स, 10th तक जो हमने फिजिक्स पढ़ी है और अब 11th में जो फिजिक्स आएगी, ठीक है, उसमें एक बड़ा गैप है। ये एक लिमिटेशन है, कह सकते हो ये एक लिमिटेशन है हमारे स्टडी सिस्टम का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, कि ये गैप इतना ज़्यादा है। मतलब 9th, 10th या जो भी हमने अब तक जो भी क्लास हमने जंप किया हुआ है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, लेकिन 10th और 11th में डिफरेंस है। उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टली चैप्टर 1 से शुरू करें। सो बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस बेसिक फिजिक्स को पढ़ लें, समझ लें पहले। और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, एंड स्पेशली द मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। इसको हम कुछ पार्ट्स में करेंगे, जैसे ये बेसिक फिजिक्स पार्ट 1 है, तो ऐसे ही कुछ पार्ट्स में हम इसको कम्प्लीट करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स में हमको स्पेशली जो कैलकुलस वाला पार्ट है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ठीक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, ठीक है, लॉगरिथम को जो हम यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना है, आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। और वैसे इस सीरीज़ में हम जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको तो हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट है बेसिक फिजिक्स का, इसमें ऐसी ही कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगी, जिसके बिना जो फिजिक्स है उसकी शुरुआत करनी अधूरी होगी, ऐसी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले। और ये जो वीडियो है ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे वो 11th में फ्रेशली आए बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो 12th में पहुंचे हैं बट 11th की बेसिक चीज़ों को नहीं जानते, या तो ऐसे बच्चे जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो JEE की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, और इस वीडियो को ध्यान से देखना, और इस सीरीज़ में जितने वीडियोज़ हैं बहुत ज़बरदस्त आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे और आपके फंडामेंटल, आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। इसमें हम पढ़ने वाले जो बेसिक फिजिक्स का एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज, जिसके अंदर हम सिंबल्स पढ़ेंगे, जो भी ग्रीक लेटर्स होते हैं जो यहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, वो सारी चीज़ें, फिर मल्टीप्लायर्स, किलो, मेगा, गीगा, ये सारे टर्म्स, मिली, माइक्रो, जो भी चीज़ें हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। और ये सबसे पहले आ रहा है आपका ग्रीक अल्फाबेट्स या ग्रीक लेटर्स। तो जैसे हमारे जो इंग्लिश, ऑब्वियसली इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो यहीं से आए हुए हैं, ओके। तो देखो, अल्फा, बीटा, अल्फाबेट, मतलब सारी चीज़ें ABCD जैसे हम पढ़े हैं, वैसे यहाँ पर भी ग्रीक अल्फाबेट्स, ग्रीक अल्फाबेट्स हैं जिसको हमको यूज़ करना होता है एज अ सिंबल। काफ़ी सारी जो आपको पता है स्टडीज़ जो है वो, जो डॉक्यूमेंटेशन है साइंस में, वो ग्रीक और लैटिन से यूज़ कर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम ग्रीक अल्फाबेट्स को हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है एज अ सिंबल। जैसे आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी रेजिस्टिविटी के लिए हमने रो ये सिंबल यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद पाई हम कई बार यूज़ करते हैं, थीटा हम कई बार यूज़ करते हैं, है ना, अल्फा, बीटा कई बार यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो सिंबल्स है, ठीक है, इसमें देखो ऑब्वियसली इंग्लिश में भी कैपिटल और स्मॉल का कंसेप्ट होता है ना, कैपिटल और स्मॉल का, तो यहाँ पर भी है। तो लेकिन मैं सब नहीं बताऊँगा, जैसे कि ए का भी अल्फा है, मतलब सॉरी अल्फा है जिसका ये सिंबल है और उसका स्मॉल लेटर ये, दिस इज़ कैपिटल, दिस इज़ स्मॉल, तो वैसे कैपिटल का इतना यूज़ नहीं है, तो मतलब मैं वही आपको दे रहा हूँ जो ज़्यादा यूज़फुल है, जो यूज़फुल मतलब फिजिक्स में जो यूज़ होगा जो सिंबल्स, जैसे कि अल्फा का स्मॉल लेटर यूज होता है, देखो ये वाला, ठीक है, ध्यान दो, ये तो ऑब्वियसली पता होगा आपको, दिस इज योर बीटा, ठीक है, मैंने हाइड कर दिया जो चीज़ यूज नहीं हो रही, गामा, ठीक है, ध्यान से देख लो, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, डेल्टा, अब डेल्टा में कैपिटल स्मॉल दोनों यूज होता है, तो ये देख लो, दिस इज डेल्टा, दिस इज स्मॉल लेटर डेल्टा, ओके। अब कहीं पे क्या यूज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का ये वाला फॉर्मेट यूज होता है, स्मॉल वाला ऑब्वियसली। ईटा, अब इसको कई लोग है ना इसको न्यू प्रोनाउंस करते हैं, गलत है, न्यू देखो क्या है, दिस इज योर न्यू, ठीक है, जो हम ऐसे टेढ़ा ऐसे लिखते हैं ना इस टाइप में, ये होता है आपका न्यू, ठीक है। सो दिस इज योर न्यू, और ये जो लेटर है ये ईटा है, जो ऐसे करके हम एक्सटेंड कर रहे हैं,
दिस इज ईटा, थीटा तो पता ही है आपको, ओके दिस इज आयोटा, स्मॉल आई की तरह दिखता है, ठीक है, तो ये आयोटा है, और जो के को थोड़ा स्टाइल में लिखा गया ना इस तरीके से, तो ये जो है ये हो गया आपका कप्पा, ठीक है। उसके बाद लैम्डा, वेवलेंथ के लिए हम यूज करते हैं लैम्डा, ये है म्यू, सो दिस इज म्यू, ठीक है। इसके बाद देखो म्यू और न्यू में डिफरेंस देख लो, ये है म्यू, इसको कई लोग इसको म्यू बोल देते हैं, जो भी है मन मतलब अपने मन में जो भी आता है बोल देते हैं, तो ध्यान देना जो एम की तरह दिख रहा है ना वो म्यू है, ठीक है, और जो ये वी की तरह दिख रहा है ना वो न्यू है, एन यू। दिस इज पाई ऑब्वियसली, ये है आपका रो, जो हम रेजिस्टिविटी के लिए जो हम सिंबल यूज करते थे रो। देखो सिग्मा का कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज हो रहा है, अपने मैथ्स में कई बार आएगा समेशन की तरह यूज होगा, तो ये हो गया सिग्मा कैपिटल में और ये हो गया सिग्मा स्मॉल में, तो याद रखना सिग्मा इस तरह से भी लिख सकते हो आप सिक्स की तरह, ठीक है। ये हो गया आपका रो, ऐसे भी लिखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद टाओ, ध्यान दो ये ऐसे टाओ, दिस इज फाई, ऑब्वियसली वी यूज इट, ये पता होगा और यूज किया जाएगा बहुत फ्रीक्वेंटली। ये वाला सी एच आई, चाय मत बोलना, दिस इज काई, सी एच आई काई, ठीक है। ये त्रिशूल की तरह दिख रहा है वो है साई, पी एस आई, पी साइलेंट है तो साई का कहेंगे इसको, ठीक है। और ये है आपका कैपिटल लेटर ओमेगा, है ना, जो हमने रेजिस्टेंस के सिंबल ओम को रिप्रेजेंट करने को, सो ऐसा यूनिट ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते थे, सो ये ओमेगा कैपिटल एंड दिस इज ओमेगा स्मॉल, डब्ल्यू की तरह दिख रहा है, ये ओमेगा स्मॉल है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ जरूरी, नॉट ऑल, मैंने यहाँ पे देखो कुछ मैंने हाइड कर रखे हैं, तो जो जरूरी है जो यूजफुल है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए गाइज। आगे देखते हैं, यस, अब ये एक और बहुत 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 जरूरी चीज, मतलब ऐसा होगा ना कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं लगाया, इसमें ध्यान नहीं दिया, तो बात ये हो जाएगी कि ट्वेल्थ में तो पहुंच जाते बच्चे लेकिन ये बेसिक चीजें नहीं पता होती, ठीक है, और जिसकी वजह से न्यूमेरिकल करना बहुत मुश्किल है, इफ यू डोंट नो द कन्वर्जन, बहुत जरूरी है कन्वर्जन जानना, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि वन मेगावाट कितना वाट होता है, तो मेगा का मतलब समझना जरूरी है कि मेगा, देखो यहां पर मेगा का मतलब है 10^6, तो सीधे लिख दिया हमने वन और मेगा की जगह पर लिख दिया 10^6 वाट, ऐसे किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू, किलो का मतलब कितना है 10^3, तो ये आपका हो गया 1 × 10^3, जो भी वैल्यू है मेगा की वैल्यू डाल दी, किलो है तो किलो की वैल्यू डाल दी, ठीक है, इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 पिको सेकेंड, देखो पिको का मतलब कितना, देखो 10^-12, सो इफ इट इज 1 पिको सेकेंड तो ये होगा 1 × 10^-12 सेकेंड, ठीक है, जो भी वैल्यू है बस हम उस हिसाब से लिखते जा रहे हैं, ओके। आपने किलोबाइट, मेगाबाइट है मतलब MB, GB, TB, टेराबाइट जो हमारा हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव आता है 16 GB, तो गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट कितना है, तो अब समझ में आएगा आपको ये चीज़, ठीक है, टेराबाइट कितना है। फिर हमने रोबोट मूवी देखी थी, उसमें जो चिट्टी बना था उसका सम कुछ जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट था, जेटा का भी यहाँ पर दिया हुआ है 10^21, तो ये समझना ज़रूरी है। ये जो मैंने नीचे लिखे हैं ये थोड़े से एडिशनल है, अब ऑब्वियसली आपको 11th की बुक में या 11th 12th में ये यूज़ नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिए जो मतलब मैक्सिमम तक हो सकता है वो बता दिए। देखो ये अब यहाँ पर पॉजिटिव पावर, जो मल्टीप्लायर्स है, मल्टीपल्स और ये सब मल्टीपल्स, जो मतलब अब जैसे कि स्मॉलर यूनिट्स के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। तो अब 10^2 यहाँ से शुरू करते हैं, 10^1 का मतलब है डेका, जिसको DA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 10^2 के लिए लिखा जाएगा हेक्टो, स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। 10^3 इज किलो, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। 10^3 मतलब 1000 हो गया, है ना, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, है ना, 10^3 मीटर। वैसे ही 1 मेगा, मेगा का मतलब कितना, अभी देखा हमने यूज़ किया यहाँ पर 10^6। अब देखो यहाँ पर जो बड़े वाले यूनिट्स हैं पॉजिटिव पावर वाले, देखो ये सब 3 के हिसाब से बढ़ेंगे यहाँ से, अब देखो ये 3, 6, 9, 12 तीन से बढ़ते जाएंगे, तो ये मेगा हो गया 10^9, गीगा कैपिटल जी हो गया 10, ये सिंबल जरूरी है कैपिटल, इसको स्मॉल लिख दोगे तो भाई समझ नहीं आना, तो याद रखना कि कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10^9 है। टेराबाइट, टेरा मतलब कितना है, टेरा इज 10^12, कैपिटल टी। 10^15 को कहते हैं पीटा,
कैपिटल पी, 10^18 इज एक्सा कैपिटल ई, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रख लो, ठीक है, किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा, इतना तक कम से कम याद रखो, 10^21 और 10^24 याद करने की जरूरत नहीं है, बस मतलब समझ लो, अगर कुछ अगर कभी पूछा जाए या कुछ ध्यान रखना है तो ठीक है। जेटा 10^21, देखो फिर से 3 के मल्टीप्लायर में ही है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 24 तक मैक्सिमम वैसे हम यूज़ करते हैं, बट 11 12th के करें तो 10^18 तक काफ़ी है, ठीक है। 10^21 इज जेटा, ठीक है, 10^24 इज योटा कैपिटल वाई, तो ये देखो यहाँ से सब कैपिटल यूज हुए पॉजिटिव पावर के लिए, नेगेटिव पावर के लिए जो सिंबल्स है वो मोस्टली सब स्मॉल लेटर्स में, देखो 10^-1 इज डेसी, डेसीमीटर इज 10^-1 मीटर, ठीक है, फिर सेंटीमीटर है ना, डिवाइड बाय हम 1000, मतलब मीटर 1 सेंटीमीटर है ना, देखो 1 सेंटीमीटर क्या रहता है, कितना मीटर होता है, सेंटी का मतलब कितना है, 10^-2, सो 1 × 10^-2 मीटर, यानी 1 मीटर डिवाइड बाय 100, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद है 10^-3 इज मिली, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ये, स्मॉल सी। इसके बाद 10^-6 इज माइक्रो, माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया की साइज, ठीक है, तो ये 10^-माइक्रो के लिए देखो ये म्यू, ग्रीक लेटर म्यू यूज हुआ, ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है। इसके बाद है 10^-9 इज नैनो, स्मॉल एन, ओके 10^-12, देखो बहुत आसान है, आप याद पॉजिटिव वाले को एक तरफ याद रखोगे, नेगेटिव वाले को एक तरफ, सो माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ऐसे आप याद रख लो, पीको सेकेंड 10^-12, ठीक है, स्मॉल पी। उसके बाद फेमटो, फेमटोमीटर, 1 फेमटोमीटर कितना है, 10^-15, स्मॉल एम, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट यूज होगा, सो 1 फेमटोमीटर अगर आ गया तो फेमटो यानी कितना है, 1 × 10^-15 मीटर। तो जो चीज़ है देखो, मीटर का मीटर आ गया, 1 का 1 आ गया, सिर्फ फेमटो की जगह पर क्या आया, देखो फेमटो की जगह पर आ गया उसकी वैल्यू 10^-15। ऐसे ही एटो, स्मॉल ए क्या है, 10^-18। अब इसके बाद इसे यहाँ पर पॉजिटिव पावर में था तो यहाँ पर भी है, 10^-21 इज जेप्टो, स्मॉल जेड, देखो ये कैपिटल जेड था जेटा के लिए, स्मॉल जेड है जेप्टो के लिए, तो बहुत ज़रूरी है, अगर कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद योक्टो, ये हो गया योक्टो, तो योक्टो यानी कितना हो गया, 10^-24, स्मॉल लेटर वाई से, तो यानी कि अब देख लो ये ऑब्वियसली मैं जो लिखा ये एक्स्ट्रा है, ये एडिशनल है, आपको कम से कम इतना है, 10^-18 और -18 यहाँ तक आपको ये जो टेबल में दिया है ये याद रखना है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको अगर चाहूँ तो क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, आपको ये बेसिक तो पता होगा, कम से कम ये वाला और ये वाले चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतलब आपको, आपने ये वाली चीज़ शायद नहीं देखी होगी तो ये वाला अच्छे से याद कर लो, ये मिली किलो तो पता होगा, सेंटी हेक्टो पता होगा, ये वाली चीज़ अच्छे से आप याद कर लो, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं गाइस, यस सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स, तो आपको ऑब्वियसली कई सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं, और ट्वेल्थ तक हम कई सारे कॉन्स्टेंट पढ़ते रहेंगे, बट कितना हमने नाइन्थ में पढ़ा है, मतलब 9th 10th तक हमने कितना पढ़ा हुआ है और आगे कौन से पढ़ने होंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कुछ वैल्यूज़ जो है आपको याद रखने हैं जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, सबसे फास्ट वो वैक्यूम में है ऑब्वियसली, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्मॉल लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ये अप्रॉक्सीमेट है, ये 2.99 समथिंग में आता है, 2.99 × 10^8 पर हम 3 × 10^8 ऐसे याद रख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। इसके बाद एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर कितना है, Na, इसका वैल्यू कितना है, हमने मोल कंसेप्ट में यूज़ किया है, 6.022 × 10^23 पर मोल, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, ठीक है, तो 6.022 × 10^23 पर मोल, एक मोल में इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स जो भी जिसकी भी बात हो रही है। इसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस क्या है अपोजिट टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव प्रोटॉन में पॉजिटिव, सो व्हाट इज दैट वैल्यू, 1.6 × 10^-19 कूलम, है ना, इलेक्ट्रॉन में -1.6 × 10^-19 कूलम और प्रोटॉन में +1.6 × 10^-19 कूलम।
इसके बाद दोस्तों ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻³¹ kg। ये सब याद रखो, ठीक है। देखो मैंने एक सेट को एक कलर में दिया है, याद रखो इसको, यूज़ होता रहेगा नहीं तो हमेशा गड़बड़ करते रहोगे, ठीक है। पिछला भी जो मैंने बताया मल्टीप्लायर, याद नहीं रखो कि कोई न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, कहीं कन्वर्जन आया नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए वो किलो और गीगा, ठीक है, मेगा, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद है मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर डिफरेंस है, एक्चुअली न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से। जैसे कि अगर ये न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.675 × 10⁻²⁷ है, और प्रोटॉन का है तो 1.673 × 10⁻²⁷ है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम चाहें तो हम एक जैसा लिख सकते हैं, हम यूज़ कर जब न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो। सो दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों पता है आपको न्यूक्लियस में रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन से काफ़ी हैवी होते हैं। सो दैट इज़ देखो ये 10⁻³¹ है, जो काफ़ी कम है, दिस इज −27, कम है लेकिन उतना कम नहीं है। सो 1.67 × 10⁻²¹ kg। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्वियसली हमने ये यूज़ किया है, नाइन्थ में पढ़ा है हमने, और कई बार अब हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर भी मैकेनिक्स में, इलेवेंथ में। सो स्मॉल जी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होती है, और अर्थ पे भी इसकी वैल्यू डिफर करेगी, सरफेस पे अलग, हाइट पे अलग, डेप्थ में अलग, ठीक है, पोल्स पे अलग, इक्वेटर पे अलग, बट बेसिकली हम बात करें तो एवरेज में अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब क्या, पूरे यूनिवर्स के लिए सेम रहेगा ये जी का वैल्यू, पूरे यूनिवर्स के लिए, चाहे आप कहीं भी स्पेस में कहीं भी जाओ, ये वाला वैल्यू सेम रहेगा, किसी भी प्लैनेट पे या कहीं दो स्टार्स के बीच में, सन प्लैनेट के बीच में, ये वाली चीज़ फिक्स रहेगी। सो दैट इज़ 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इतना जो मैंने यहाँ बताया ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, 9th-10th तक इसको सीखा हुआ है। अब जो है यहाँ पर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये, बट 9th में तो हमने ये इसके बारे में पढ़ा है ऑब्वियसली। अब जो है कुछ ऐसी बातें जो हमने वहाँ नहीं पढ़ी लेकिन यहाँ पर याद रखनी पहले से ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि जब आप पढ़ोगे गैस गैस लॉज और आइडल गैस इक्वेशन, वो सब पार्ट जब पढ़ोगे तो वहाँ पर भी, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, ये पार्ट ज़रूरी है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये सब चीज़ें आपको जूल पर मोल पर केल्विन क्या है, कैसे है, सब सीखोगे आगे, बट वैल्यूज़ याद रख लो भाई, बेटर रहेगा। इसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी काफ़ी टाइम शुरू के चैप्टर से ही आपको यूज़ होना शुरू हो जाएगा केमिस्ट्री में, अगर हम बात करें तो एक चैप्टर है इसमें। सो प्लैंक्स कांस्टेंट एच इज, फिजिक्स में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻³¹ जूल सेकेंड। कभी कभी कन्वीनियंस के लिए 6.63 × 10⁻³¹ जूल सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद रिडबर्ग कांस्टेंट, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो दिस, अब देखो ऐसा नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना कि ये भी आर है ये भी आर है, अलग अलग कंसेप्ट के हैं वो। रिडबर्ग कांस्टेंट, ये जो है इसकी वैल्यू है 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर। सर क्या है, कैसे है, कैसे आया, वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बट भाई इतना याद रखो, ठीक है। तो ये एक चीज़, ये एक चीज़, देखो मैंने अच्छे से इसको पूरा स्क्वायर कर रखा है ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लो। अब इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, बोर रेडियस, इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो, और कई चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे मतलब आगे के चैप्टर्स में आते आते, बट अभी से इतना ज़रूरी नहीं याद रखना अभी से आप। और एक चीज़ अगर जानना चाहो तो ये दो है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जुड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से, जो पढ़ेंगे ऑब्वियसली हम 12th में, दिस विल ऑल्सो बी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी 12th में पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट से आता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से जुड़ा हुआ है, एंड दिस इज परमिएबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, तो उसके बारे में है। इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या एप्सिलॉन जीरो से, और ये म्यू नॉट या म्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो इज कितना है, देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी है, वो कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड को अलाउ करता है, ऐसा कुछ। सो इट इज 8.85 × 10⁻½ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और परमिएबिलिटी जो है
फ्री स्पेस की कितनी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। सो 4π × 10⁻⁷ टेस्ला, दिस इज टेस्ला, कैसे है, क्या है, सीखोगे आगे, मीटर पर एम्पियर, ठीक है, आगे आएगा, बट जिनको भी याद रखना है वो याद रख सकते हैं एडिशनली, बस इतना तो अच्छे से पढ़ लें, लेकिन इतना अच्छे से याद कर लो। और उसके बाद ये वाली चीज़, एक्चुअली हम एप्सिलॉन जीरो कम यूज़ करते हैं, 1/4π ε₀ ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। सो इसका एक मतलब, अब जैसे ये वैल्यू यहाँ डाल दी एप्सिलॉन जीरो की, तो ये सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली आता है 9 × 10⁻⁹, यहाँ पर 9 लिख देना, नहीं लिखा हुआ, सो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, तो ये यूज़ होता रहेगा। ओके, ट्वेल्थ में आएगा ऑब्वियसली, बट थोड़ा शुरुआत की जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड वाले में थोड़ा सा पार्ट है इसके बारे में। ओके, हमने अभी फिलहाल इस वीडियो में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बुनियादी हैं, बहुत बेसिक है, बहुत ईजी हैं, लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं याद रखोगे, ध्यान रखोगे ना, तो बड़ी बड़ी जो हमको अभी जो जितना बड़ा पहाड़ जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही दिखता रहेगा। अगर ये सब चीज़ें समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सो आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक, ठीक है, ज़रूर बताना कि भाई कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा है ये पार्ट। और फिलहाल जो है अभी कोरोना की वजह से मैं ये घर से शूट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अभी हम ऐसे वाले अरेंजमेंट पढ़ेंगे जब तक कि ये लॉकडाउन ठीक नहीं हो जा रहा। बट ये एफर्ट कैसा है, इस तरीके से आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। एंड ऑब्वियसली मैथ्स का भी आ रहा है, मैथ्स का भी सेशन जो चैप्टर्स है वो शुरू होंगे, राजीव सर लेने वाले, ज़रूर बताइए कि आपको ये वाला जो है इसका नेक्स्ट पार्ट, या आपको और कहाँ पे दिक्कत आ रही है अगर आपने पढ़ाई शुरू करी है तो। ओके गाइज, थैंक यू वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।